हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के चलते एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित हो गया है। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों वडोदरा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी वजह से सड़क पर मगरमच्छ भी आ गए हैं। सड़क पर खड़े कुत्ते पर इस मगरमच्छ ने हमला भी कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कई लोग पोस्ट कर चुके हैं। इस वीडियो को भारतीय टीम के क्रिकेटर इरफान पठान ने भी शेयर किया है। वडोदरा के रहने वाले इरफान पठान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, वडोदरा में कल लगातार बारिश हुई जिससे मगरमच्छ आ गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दो कुत्ते सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। पानी पूरी तरह से सड़क पर भरा हुआ है। वीडियो में मगरमच्छ तैरता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। सड़क किनारे खड़े कुत्ते के पास मगरमच्छ धीरे से जाता है और उस पर हमला कर देता है। हालांकि मगरमच्छ कुत्ते को पकड़ नहीं पाया और वे वहां से भाग गया। वडोदरा में बारिश ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है। वडोदरा में बीते बुधवार को भारी बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से वडोदरा के छनी इलाके में एक दीवार भी गिर गई है। इस दीवार ने 4 लोगों को अपना शिकार बनाया। राज्य के मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ दिन और वडोदरा में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।